जय गुरुदेव। सोई पवन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। शिव अज सुख सन का दिक नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। आदि योगेश्वर भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु सनकादि ऋषि सप्त ऋषि व्यास सुख नारद अनंत आदि काल से जो महापुरुष होते आए हैं, सबका मत केवल एक, करिए राम पद पंकज नेहा। राम एक परमात्मा के चरणों में प्रीति, और जो उन चरणों में प्रीति करता है वो धार्मिक है। तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ धर्म का विशेषज्ञ गुणी है, ज्ञाता है, पंडित है, उसके पास देने लायक सामग्री है, वो दान दाता है। कौन की राम चरण जाकर मन रहता है। राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त हो, तो नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो नीति में निपुण है, परम सयाना है, समाज का सबसे सुलझा हुआ सत्पुरुष है, क्रिया में दक्ष है, और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जान लिया है। भले ही स्कूल ने गया हो, व्याकरण ने पढ़ा हो, वेदों का पारगामी विद्वान, क्योंकि जन्म भर वेद पढ़ो, अंत में निर्णय तो एक ही निकलेगा कि एक परम प्रभु की शरण। जब हम शरण हो ही गए तो वेद अपना परिणाम दे चुका। श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो क्रिया में दक्ष सारे लक्षणों से युक्त कौन, जिसके राम एक परमात्मा के चरणों में प्रीति हो। शबरी गीता वेद नहीं पढ़ी थी, न कबीरे पढ़े रहे, लेकिन पारगामी महापुरुष हो गए, प्राप्ति वाले हो गए। भगवान को जाना पड़ा रास्ता बदल के। भगवान केवल प्रेम के भूखे कब ऐसे ही एक, इसलिए धर्म के विषय में भ्रांति असंभव है। तब तक भ्रांति है जब तक हमें शास्त्र उपलब्ध नहीं है। आपका धर्म शास्त्र गीता है और सबके पास होनी ही चाहिए, फिर कोई भ्रांति नहीं। फिर आप तो भ्रमित नहीं होंगे, आपको छू देगा वो भी धर्म का शुद्ध रास्ता पा जाएगा। लेकिन 5-7 बार उसको केवल अध्ययन कर ले अर्थ, उसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता, यही सब जगह से पास हुई है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह से और विद्वत परिषदों से सब तक कैसे पहुंचे ये आप जानो, ये आपका क्षेत्र है। ऐसे ही कबीर एक महापुरुष था, अंगूठा छाप तो मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों जुग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। मुख से बात जना दिए। ईश्वर पथ में महत्व है मानव तन का,
बड़े मानव तन का महत्व है। सामाजिक व्यवस्थाएं हर हर देश में अलग अलग है और सभी जिंदे तो हैं, विकास भी कर रहे हैं। इस व्यवस्थाओं से और भगवत दर्शन में से कोई इसका सहयोग नहीं होता। ऐसे ही कबीर एक लहर तालाब पर पड़ा एक बच्चा चूचू कर रहा था और नीरू जुलाहा और उसकी धर्मपत्नी नीमा माई चले जा रहे थे बैलगाड़ी से। बच्चे का रुदन सुनाई पड़ा, देखा तो लड़का। बहुत खुश हुई माई की परवरदिगार ने हमारी सुनवाई कर ली, हमें बच्चा प्रदान कर दिया। उन्हें लड़का नहीं था, बड़े स्नेह से पाला और मौलवियों ने आके नामकरण किया। कुरान खोला तो निकला कबीर, बोले इतना पवित्र नाम इस जुलाहे के लिए ठीक नहीं। दोबारे खोला तो निकला कबीर, तिबारे खोला तो निकला कबीर, बोले जब खुदा को यही मंजूर है तो यही नाम ठीक। नाम पड़ गया कबीर। लड़का थोड़ा पांव पे चलने लगा तो लगा मंदिर मंदिर घूमने काशी में, और हौस संभाला तो घूमने लगा आश्रम आश्रम कुटीर कुटीर। रामानंद जी की आश्रम में उसे अच्छा लगने लगा, रोज जाके खड़ा हो जाए, लोगों की जहां निगाह पड़े तो भगा दे, बोले भाग भाग, जुल्लाह को जब देखो ये गेट के दरवाजे से चिपका खड़ा रहता है, भाग भाग। तब कबीर ने सोचा कि गुरु महाराज की दिनचर्या क्या है। पता चला कि सुबह 4 बजे गंगा अवगाहन करने जाते हैं दशाश्वमेध घाट, पीछे लग गया। 2 दिन चल के अध्ययन किया, उनकी कदम से कदम मिला के चला और फिर श्रिया में लेट गया। रात को अंधेरे में 4 बजे जहाँ गुरुजी का चरण पड़ा कबीर के पेट पर, तो झुक के उठाते हुए बोले बच्चा राम राम कहो, बच्चा राम राम कहो। बोले राम राम गुरु महाराज, राम राम हम मंत्र पा गए। बोले अरे कबीरा तू? बोले हाँ गुरु महाराज मंत्र तो पा गए। बोले ओ तुम बहुत ढीठ है, बड़ा लगनी है तू, अब तुम्हें हमारे आश्रम में आने से कोई नहीं रोकेगा, निश्चिंत आया करो। एडमिशन हो गया। कब रामानंद अच्छे महापुरुष थे, उनके सहस्रों शिष्य थे, अंत में जो सर्वोपरि निकला तो कबीर, रैदास और एक और विशुद्धानंद क्या नाम था। तो ईश्वर पथ में किसी कुलीनता की जरूरत नहीं, श्रद्धा और समर्पण लगन की जरूरत है। कबीर पा गया। माता पिता की भूलों का बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं, उसने प्राप्ति कर ली। कबीर एक महापुरुष थे और गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय शेरजुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायाः। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में वास करता है। इतना समीप हृदय के अंदर तब लोग देखते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश लोग भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। ईश्वर हृदय में है तो हम शरण कहाँ जाएं, पूजा कहाँ बैठ के करें? तो कहा हृदय में। भगवान आदेश देते हुए कहते हैं अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्सि शाश्वतम। अर्जुन तुम हृदय से ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन थोड़ा भाव संकट मोचन, थोड़ा पशुपतिनाथ, थोड़ा कमक्षा देवी, थोड़ा पिशाच मोचन, हम बाराना भटक गए। इधर हमारे पास एक देवी है गड़बड़ा देवी, हवाई अड्डे के पास है नक्कटी देवी, हम तो भटक गए। इधर है अरसो ब्रह्म जहाँ भूत झाड़ा जाता है, भीड़ लगी हुई है वहां पर, हम तो 14 में भटक गए। हृदय से ईश्वर की शरण में दो ही चारा ना बचे कल्याण नहीं होगा।
सर्व भावेन मन कर्म वचन से हृदय से ईश्वर की शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी, शरण चले ही गए तो लाभ क्या। भगवान कहते हैं अर्जुन तत्प्रसादात परम शांति, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्ति शाश्वतम, उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है, सदा रहने वाला जीवन और सदा रहने वाला धाम घर पा जाओगे और सदा रहने वाली शांति। तो गीता का ईश्वर हृदय में और गोस्वामी जी तुलसीदास जी की रामायण का प्रथम द्वितीय श्लोक, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः इष्टमीश्वरम्। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, उनके बिना सिद्ध जन भी हृदय से ईश्वर को नहीं पहचान पाते। और फटीचर की कौन कहे, सिद्ध स्तर वाले लोग भी हृदय से ईश्वर को नहीं पहचान पाते। अर्थात तुलसीदास जी का ईश्वर हृदय में, अस प्रभु हृदय अक्षतीय भिखारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, सबके हृदय में निवास करता है, अक्षत उन्हें क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। अभिकारी आप कुछ भी खाओ कुछ भी पहनो, वो दृष्टा के रूप में है, आपके विकारों से लिपायमान नहीं होता। जैसे लाइट जल रही है, आप चाहे ताश खेलो चाहे भागवत पढ़ो, उसका काम है प्रकाश देना। तो तुलसी का ईश्वर हृदय में, आप गीता का ही अनुसरण किया तुलसीदास जी ने, कबीर सब घट मेरा साईं सुनी से जन कोई बलिहारी घट तासु की जा घट पर घट होई। हर हृदय में मेरे साईं निवास करते हैं, सुनी से जन कोई, एक भी हृदय खाली नहीं जहां भगवान का निवास न हो। तब तो सबको नमन करो उतना तो ठीक, समर्पण कहां करें। तो बलिहारी घट तासु की जा घट पर घट होई, उस घट के ऊपर मैं अपने आप को न्योछावर करता हूँ, बलि चढ़ाता हूँ जिस घट में वो प्रगट हो गए। अर्थात भगवान प्रगट होते हैं गीता के अनुसार, मानस के अनुसार, कबीर के अनुसार, प्रत्येक महापुरुष के अनुसार। सिंगी ऋषि मृगों के झुंड में पड़ा एक शिशु मिला और वो चोटी के महापुरुष हो गए। राम वगैरह के अवतरण की विधि उन्हीं से संपन्न हुई। ऐसे ही अगस्त हैं, व्यास हैं, नारद हैं, ये सब उटांग पटांग थे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन देहाभिमानियों की गति नहीं। तो लोगों को देहाभिमान, मैं कुलीन हूं, मैं खानदानी हूं, हाँ तो वो तो कुछ बना हुआ, भगवान कहाँ बैठे। तो ये जो फुटपाथ वाले हैं, ये नाच करें तो किस पर करें। इसलिए दिन की लगन लग गई तो जल्दी रास्ता तय हो जाता है, कबीर की तरह। भरद्वाज ऋषि बक्से में बैठते हुआ एक लड़का शिशु मिला, वरुण ने पाला, भरत महाराजा ने गोद लिया, राज भी दिया, छोड़ छाड़ के प्रयागराज के महापुरुष हो गए। अब ये बताओ बक्से में फेंका जो लड़का जा रहा है कर्ण की तरह, कौन सी कुलीनता उसके पास। तो ये सृष्टि में तो परिस्थितियां आती ही जाती रहती है, लेकिन जन्मने वाले शिशु का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लक्ष्य लग जाए तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त करता है। कुरान दिल मत, जब कुरान का अनुवाद हुआ विविध भाषाओं में, तो दिल मत किसी का दुखा दे बंदे, ये घर खास खुदा का है, ये भगवान का घर है। इसी आशय का एक भजन है कि पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हांसी, राम भगति जल मम मन मीना किमि बिलगाई मुनि सुप्रवीणा, सोई उपदेश कहो करी दाया निज नैनन देखूं रघुराया।
लोमस ने कहा, मन गोतीत अमले अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि, श्रोते वो अबाध्य अविनाशी तुम हो, जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जल और बर्फ अलग नहीं, बर्फ गल के जल ही होता है, वैसे ही परमात्मा और तुम एक हो, तुम ही हो शाश्वत तत्व परमात्मा एको हम। लोमस की गुरुदेव की बात सुनकर काकभूषण ने सादर प्रणाम किया, बोले प्रभु भक्ति रूपी जल में मन मछली हो रहा है, मछली को यदि पानी से बाहर कर दो तो क्या होगा, मौत। तो वह उपदेश कृपा करके करिए कि निज नैनों से मैं प्रभु को देख लूं और फिर मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, अविनाशी हूं, जो हुक्म करेंगे सब मान लूंगा, पहले मैं देख लूं। सोई उपदेश कहो करी दाया, निज नैनन देखूं रघुराया, फिर भरी लोचन बिलोकी अब देसा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। नेत्र भर के देख लूंगा, आपका निर्गुण उपदेश सुन लूंगा। उत्तर प्रत्युत्तर किया, लोमस को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि कौवे की तरह सुबह से काऊं काऊं लगा रखा है, रे धूर्त तुम्हें अपने पक्ष का बड़ा हठ है। सठ स्वपच्छ तब हृदय विशाला, सपदि हो पक्षी चंडाला, तुरंत तुम चंडाल पक्षी हो जाओ कौवा। श्राप दे दिया और कौवा हो भी गए। तुरत भयों में कागतब, पुनि मुनि पद सिरु नाई, रघुपति चरण हृदय धरी, हर्षित चले हूं उड़ाई। बड़े हर्ष के साथ उल चले, बोले वारे प्रभु बड़ी अनुकंपा कर दिया, ये हेलीकॉप्टर अच्छा पकड़ा दिया, रास्ता चलो कोई भगत मिल गया तो बोले महाराज बहुत दिनों में दर्शन दिया, थोड़ा बैठ लो फिर भजन में विघ्न। और जहाँ गांव के करीब पहुंचे तो गांव भर के कुत्ते आके भौं 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 पीछे लग गए, सरप बिच्छी कांटा कुछ एक्सीडेंट, ये अच्छा हवाई मार्ग मिल गया। उन्हें वरदान था कि कौनो जन्म मिटे ही नहीं ज्ञाना, सुनो शूद्र मम वचन प्रमाणा। लोग कहते हैं शूद्र को भजन करने का अधिकार नहीं है, और शूद्र को उतना बड़ा आशीर्वाद मिला, किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटेगा, अंत में भक्ति पा जाओगे। शूद्र एक साधना का प्रथम चरण है, भजन की जागृति का चिंतन, वो जागृति का स्तर है, ये प्रश्न अलग। आप लोग जो है वो बने रहो, उससे हमसे मतलब नहीं, समय आएगा मिलेगा। तो ईश्वर पथ में केवल कबहू की करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेत सनई, ये तन भगवान की करुणा की देन है, कहीं जन्म जाए किसी देश में किसी कोने में दी मानव तन उपलब्ध है, सब सच्चे अधिकारी हैं। और फिर लोमस ने श्राप दिया, हर्ष के साथ उड़ चले, तो लोमस ने देखा मुनि के चरणों में सादर प्रणाम करके तब उड़ा, तो मुनि मम महतशीलता देखी, राम चरण विश्वास बिसेकी। महतशीलता देखी, राम के चरणों में विशेष विश्वास देखा, अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि दीन लीन बुलाई। विस्मय में पड़ गए, बार बार पछताने लगे, हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई, सादर बुला लिया। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना, बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। मुनि मोहि कछु काल तब तहां राखा, राम चरित मानस तब भाका। फिर वो भजन की विधि, पहले नाम राम मंत्र, दूसरी विधि बालक रूप राम का ध्यान, तीसरी विधि मानस कथा, मन के अंतराल में जो राम के चरित्र छिपे हैं, कैसे जागृत होते हैं, कैसे राम पर्यंत दूरी तय करा देते हैं, वो पद्धति पढ़ा दिया। सादर रामचरित तब भाग, और रामचरित सुनाने के बाद एक प्रतिबंध लगा दिया, रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा, अत्यंत गोपनीय है, शंकर जी की कृपा से मैंने प्राप्त किया।
तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। हमने तुमको राम का अंतरंग भगत जाना, इसलिए सब वर्णन करके कह दिया। तुम भी ध्यान रखना, राम भगत जिन के और नाही, कबहुन तात कही तिन पाही। जिसके हृदय में राम भक्ति न हो उससे कभी मत कहना, वो व्यर्थ चली जाएगी। रावण मरा तो तीनों लोगों ने खुशियां मनाई, राम राज्य अभिषिक्त हुए तो राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सोका। तीनों लोग शोक मुक्त हो गए, रावण मर गया और भगवान की राज्याभिषेक हो गया। ये खबर छिपी नहीं थी तीनों लोगों से, लेकिन ये मानस एक ऐसा है, रामचरित अति गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा, शंकर जी की कृपा से मैंने प्राप्त किया। तुमको अपने राम का निजी भक्त समझा, इसलिए हमने विस्तार से वर्णन करके कहा। तुम भी ध्यान रखना, जिसमें भक्ति ने हो मत कहना। न कहने की कौन बात है, रावण मरा, अभिषेक हुआ राम का, खुशी की लहर दौड़ गई, शांति की लहर दौड़ गई, तो दुनिया जान गई। वास्तव में दो दृष्टियों से शास्त्र लिखा जाता है, एक इतिहास कायम रखना जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलकर मर्यादित जीवन जी सके, और लेकिन सुखपूर्वक जी खा के आयु के दिन पूरा करने से कल्याण संभव नहीं। दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म, हर जीव माया के अधीन है, माया जैसा चाहती है नाच नचाती है, फिरत सदा माया कर प्रेरा। इसके चंगुल से निकाल के आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर देना अध्यात्म कहलाता है। आत्मा जागृत हो जाए, आपके मन की लगाम पकड़ के मार्गदर्शन करने लगे, उनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति ज्ञान है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। तो माया से निकाल के आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर दे और दर्शन पर्यंत दूरी तय करा दे, अध्यात्म कहलाता है। दो दृष्टियां, और वो जो है गोपनीय है, शिव जानते हैं, लोमश जानते हैं, और काकभूषण ने जाना। वही लोमस पहले कहा, बाहर भगवान है ही नहीं, तू है ब्रह्म, तू है भगवान, जल में और बर्फ में अंतर नहीं, तू ही है वो परब्रह्म परमात्मा। वही लोमस जी ने फिर बता दिया सब कुछ, आशीर्वाद दिया तुम्हें माया कभी नहीं व्यापेगी। तो आखिर पहले क्या था, लोम काकभूषण कहते हैं, गरुड़ जी कृपा सिंधु मुनिमति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, कृपा सिंधु प्रभु ने मेरी बुद्धि को भुलावे में, लोमस जी के ऋषि की बुद्धि को भुलावे में डालकर और मेरे प्रेम की परीक्षा ली थी। मन क्रम बच मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना, मन क्रम बचन से मुझको भगवान ने निजी सेवक जाना, तो मुनि की बुद्धि को पलट दिया, पछताने लगे, बुला भी दिया, साधना भी बताई और आशीर्वाद भी दिया। अर्थात ये निर्गुण नाम की कोई उपासना नहीं है, प्राप्ति के पश्चात शत्रस्तम तीनों गुण शांत हो गया, त्रिगुणातीत प्रकृति ही शांत हो गई, परमात्मा का ही आलोक शेष बचा, वो निर्गुण उसकी अनुभूति हो गई। तो निर्गुण एक स्थिति है, केवल सर्टिफिकेट लेने की कोई साधना। मानस के अनुसार कबीर भी सगुण ही उपासक थे, साहिब का घर दूर लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस गिरे तो चकना चूर। परमात्मा का घर कहीं बहुत दूर और अपने खड़ा है अलग, जैसे लंबा पेड़ खजूर, खजूर का उदाहरण दिया, चढ़े तो चाखे राम रस और गिरे तो चकना चूर। भगवान अलग, अपने अलग, चढ़ना और गिरना बाकी, खोज बाकी, और सगुण उपासक के क्या लक्षण होते हैं, यही तो, वो अलग हो हम अलग और शोध प्रक्रिया बाकी, चढ़ना और गिरना लगाई हुआ है। इसलिए उपासना जब चलती है सगुण से, अंत में उपासना जिसमें प्रवेश देती है वो भगवान की गुणातीत अवस्था है। और इसी आशय का एक भजन है कबीर, ये मनुष्य जब पाया तो हृदय से ईश्वर को,
पानी दो प्रकार का होता है, ब्रह्म पीयूष मधुल शीतल जो पेशो रस पावे, तो कत झूठ बिलो की बिसे रस मन कुरंग ज्यो धावे। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल रस, जो कदाचित वो रस पा जाए तो झूठ माने अनित्य नस्वर बिसे रस के पीछे मन ये मिर्गे की तरह भला क्यों दौड़ लगाए। राजस्थान में पेड़ पौधे बहुत कम हैं, सूरज की जांच और बालू ही बालू नजर पसार, ये गंगा की बालू है ना, ऐसे ही बालू और कहीं कुछ नहीं। जहाँ सूरज की किरण पड़ी बालू तप गई, भाप निकलने लगी, भाप की एक लहर चलने लगती है 3-4-5 फीट ऊंचे तक, इतना ऊपर तक लगता है नदी बह रही है। तो सारे प्राणधारी जीव उसी में छिपे हुए हैं, छोटी छोटी झाड़ियों में गर्मी से बचने के लिए। मिर्गा भी वहीं छिपा है, जब देखा लहर तो उसने सोचा अरे पानी नदी बह रही है, दौड़ के आएगा पीने के लिए और झुलस गया। फिर दाहिने बाएं देखा तो उधर भी नदी, उधर भी झुलस गया, इधर भागा उधर भागा, एक घंटे में मर गया। तो ये संसार एक मृग मरीची का, मृग तृष्णा का जल है। तो कत झूठ बिलो की बिसे रस मन कुरंग ज्यो धावे, मन भला मिर्गे की तरह क्यों मारा मारा फिरे। तो ब्रह्म पीयूष से, ब्रह्म पीयूष को पाने के लिए भक्ति रूपी रस, राम भक्ति जल मम मन मीना, भक्ति रूपी रस में मन मछली हो जाए और सब ओर से मन सिमट के उसी भक्ति में सराबोर हो जाए। पहला उपाय सीता के लिए आया है कि जियत बारी बिनु जेतनु त्यागा, मुए करहि का सुधा तड़ागा। जीते जी पानी के बिना, दो घूंट पानी के बिना जिसने प्राण त्याग दिया तो मरने के बाद अमृत का तालाब ही क्या कर लेगा। अमृत के तालाब में डुबा दोगे तब भी कोई लाभ नहीं। तो भक्ति रूपी जल यदि भक्ति नहीं पार लगी और बगैर भक्ति के इस शरीर के आयु के दिन पूरे हो गए तो मरने के बाद मुक्ति असंभव। फिर अमृत का तालाब, अमृत आत्मा, अमृत तत्व वो तो सराबोर है, हम किस काम का। इसलिए उस परमात्मा को, ब्रह्म पीयूष को पाने के लिए भक्ति रूपी जल, और सब के अंदर भक्ति है, अन्यथा घर द्वार छोड़ के इतनी लंबी दूरी तक क्यों लोग दौड़ा क्यों कर रहे हैं। भक्ति है लेकिन मन भी मछली है, उसमें तड़प भी है फिर भी प्यासा। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत आसी, पानी के अंदर खड़ा है और मन मछली भी है, भक्ति की पकड़ भी है फिर भी प्यासी, ऐसा सुन के हमें हंसी आ रही है। वो है ब्रह्म पीयूष, तो भला वो कैसे पूर्ति होगा। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरते उदासी, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान, आत्मा के ज्ञान के बिना नर भटक रहा है और भटक जरूर रहा है। उस पानी को पीने के लिए, ब्रह्म पीयूष को प्राप्त करने के लिए कोई मथुरा कोई काशी कोई ननकाना कोई मक्का मदीना, चुप तो कोई है ही नहीं। कोई मथुरा कोई काशी, वास्तव में आत्मज्ञान, ज्ञान का मतलब ये त्रिशूल है, ये माइक है, ये पुस्तक है, ये टेबल है, हमने नाम रखे हैं, ये ज्ञान क्या है। आत्मज्ञान कब और कैसे, भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान प्रोक्तम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो नित्था। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, उसके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है
और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। पहले तो भजन की जागृति कि जिस सत्य पर हम खड़े हैं, जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, अर्थात आत्मा जागृत हो जाए। भगवान पढ़ाने लगे, ऐसा कर वैसा न कर, अब ठीक है अब गलत है, संकल्प गलत उठा तो भगवान टोक देते हैं, और सही दिशा में चल गया तो पीठ थप थपा देते हैं, बेटा बढ़े रहो अब रास्ता प्रशस्त है। तो उनके संरक्षण में चलना, आत्मा के संरक्षण में चलना, उनके यह है भजन की जागृति, और उनके निर्देशन में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान, ये संपूर्ण ज्ञान भजन की जागृति और आत्मा के आधिपत्य में, माया के आधिपत्य में था, आत्मा के आधिपत्य में साधना साधक चलने लगा, यह है भजन की जागृति। चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन और दर्शन के साथ जानकारी, ये है आत्मज्ञान की पराकाष्ठा। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा भटक रहा है कोई काशी, प्रभु है हृदय में, जैसे वो कहीं वहां नहीं मिलेगा बाहर, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन 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 फिरते उदासी, पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन कर आवत हासी। एक कस्तूरी मृग होता है, बच्चा है तो कोई बात नहीं, जब किशोर हुआ तो उसके नाभि में कस्तूरी फूट जाती है, सुगंध फैल जाती है जंगल में, तब वो सोचता है कितनी मधुर सुगंध, वो ढूंढने लगता है, उसके पीछे दौड़ने लगता है, कभी घास सूंघता है, कभी पौधा सूंघता है, कभी फूल सूंघता है, पाता नहीं, बन बन पूरा जंगल छान डालता है, लेकिन उदास निराश, जब घूम के नाभि में मुंह लग गया तो शांत होके बैठ जाता है। तो ऐसे ही जब कभी किसी ने पाया है तो हृदय देश में, आपके नाभि में हृदय में ही मिलेगा, और बाहर ढूंढता मिर्गा तब तक भटकता ही रहता है, जहाँ नाभि में मुंह घुमा तो खुशबू अपने में ही मिल गई, वो मस्त होके एक जगह स्थिर हो जाता है। और पानी में तुम ब्रह्म पीयूष हृदय में, भक्ति की धारा हृदय में, और फिर भी प्यासा, जल बिच कमल कमल बिच कलिया, तापर भंवर निवासी, जल में कमल, संसार एक समुद्र है, विषय रूपी बारी भरा है, इस संसार रूपी समुद्र में जब आत्मज्ञान की राह मिल गई तो पद्म पत्रम मिवाम बसा, गीता में भगवान कहते हो योगी कमल के पत्ते की तरह पानी में निर्लेप रहता है, बहुत सी वायु तेज होने पर लहरें आई डूब गया, जहां वायु का वेग खत्म हुआ तो सूखा का सूखा निर्लेप, ऐसे ही संसार में रहते हुए योगी की रहनी है, यही योगी का जीवन होता है। तो जल बिच कमल, संसार रूपी समुद्र विषय रूपी बारी भरा है, उसमें कमल की तरह रहने की जहां क्षमता आ गई, कितना भी तूफानी हवा चले कमल पत्तियां डूब जाएंगी, जहां तूफान शांत हुआ तो कमल की पत्तियां भी सूखी, कमल की पखुड़ियां सूखती, एकदम निर्लेप। जब संसार में रहते हुए निर्लेप रहने की मन में क्षमता आ गई तो जल बिच कमल कमल बिच कलिया, कमल कमल सदृश मन निर्लेप तब रहता है जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये कलियां खिल जाए। कमल बिच कलियां, जो कलियां खिल गई अर्थात साधना परिपक्व अवस्था में आ गई, तापर भंवर निवासी, उसके ऊपर मन रूपी भंवरा निवास करता है, मन ही भ्रमर है, भगवान एक खुशबू, निर्लेप रहने की क्षमता आ गई तो मन वहां
स्थायित्व ले लेता है, फिर भटकता नहीं। तापर भंवर निवासी सो मन बस त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी पानी में मीन प्यासी। वो है मन, निर्लेप रहने की क्षमता की, मन ने वहां स्थायित्व ले लिया। तापर भंवर निवासी वो भ्रमर कौन, वो है मन। सो मन बस त्रिलोक भयो सब, मन ही आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया। तो मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया संतों मन सबको भरमाया। मन ने ही अपने जगत बना के ऊंचा नीच तन पाया। भगवान कृष्ण कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, मन ही मनुष्य की मुक्ति और बंधन का कारण। इसी ने जगत बना के ऊंचा नीचा तन पाया। मन ही स्वर्ग भुगताता है, मन ही नरक भुगताता है। मन से आया जाया जन्म और मृत्यु है, आना और जाना है। मन ही तीन अवस्था की, तीन गुणों में जाया दशेंद्रिन का भोग करते है अंतहा करण कहाया, संतों मन सबको भरमाया। तुलसी कहते हैं, तुलसीदास के चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास कहते हैं चित का पट पसारी जगत है, ये बात अभ्यास करते करते ही, समझते समझते ही समझ में आती है कि चित का पट पसार जगत किस प्रकार, ये बूझते बूझते समझते समझते समझ में आती है अभ्यास के द्वारा। तो सो मन बस त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत आसी। त्रिलोक इसी मन के बस में है। आज वो कमल में बैठा है, सृष्टि इसी की संरचना है। यति यत्न करने वाले अभ्यासशील, सती जो सत्य वस्तु है आत्मा मिथ्य जगत पसार, सत्य में सत्य में जिसकी वृत्ति निरंतर प्रवाहमान है सती, और सन्यासी जो सर्वन्यास करके अलग जो निर्लेप स्थिति है, सब मन के बस में ही थे। जाको ध्यान भगवान का निवास, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन से अठासी। जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश धरते आए हैं, 88,000 ऋषि धरते आए हैं। नेमी सारणी में 88,000 ऋषियों का उल्लेख मिलता है। सृष्टि के आदि मनुष्य जिसकी संतान है महाराजा मनु, मनु से जायमान होने से मनुज कहलाते हो, वो महाराजा मनु जब को बड़ा दुख लगा घर में रहते रहते, बरबस राजपाट पुत्र को दिया, चले गए भजन के लिए नेमी सारण्य। 88,000 ऋषियों का निवास, उनसे मिले, साधना का क्रम समझा, और शांत एकांत में जब भजन में बैठे तो भजन एक परमात्मा का कि विष्णु बिरंचि शंभु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना, ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस एही, भक्त हे तुलीला तनु गई। ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ये तीनों भगवान जिसके अंश मात्र से अनंत उत्पन्न होते बिले होते रहते हैं, ऐसा भी कोई प्रभु है जो सेवक के बस में होता है। जो यह है बचन सत्य श्रुति भाका, तो हमारे पूजें अभिला का, ये श्रुति का विभाग के सच्चे, तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। और लग गए भजन में, भगवान की सेवा में लग गए। अब तक वासनाओं का सेवन करते थे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श बाहर, उधर से समेट के भगवान का सेवन करने लगे। तुलसी कहते हैं श्रवण नहीं और कथा नहीं सुनियो, रसना और न गई हो, रोकियो नैन बिलोकती और शीश इस ही नहीं हो,
जानकी जीवन की बलि चाहिए, प्राणों के सर्वस्व आधार, सीता के जीवन धन, मैं उन प्रभु के चरणों में अपने आप को बलि चढ़ा दूंगा, न्योछावर कर दूंगा। तो सेवा एक तो बाहर होती है संत सेवा, और फिर अंत में जो हम सेवन कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या बंद करके, केवल भगवान का सेवन मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, और लग गए सेवा में और भगवान को पा भी गए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और, अनंत जिस स्वरूप से उत्पन्न होते हैं वो परमात्मा कोई और, ये एक प्रश्न है। इसीलिए भगवान का ध्यान ये भी करते हैं, जा को ध्यान धरे विधि हरिहर, और जो जितने ऋषि निषि हुए हैं मुनि जन सहसे 88, और वो रहता कहाँ है, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी, वो तुम्हारे हृदय के अंदर निवास करता है, तुम उसके बीच में खड़े हो, वो ब्रह्म पीयूष तुम्हारे हृदय में, पानी में खड़ा और मन मछली जरूर है, भक्ति रूपी रस में छलांगे भर रही है निरंतर, फिर भी प्यासी, कारण क्या है, जब हम छलांग भर रहे हैं भक्ति रूपी रस में तो फिर प्यास का कारण क्या, तो कहते हैं सो तेरे घट माही विराजे, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, कण कण में व्याप्त और एक भगवान, एक से सवा कभी हुआ ही नहीं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, वो परम सत्य असीम आनंद की राशि है, अश प्रभु हृदय अक्षति अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता, अक्षत उन्हें क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता, वो सदा एक रस है, अपरिवर्तनशील है, अविकारी, आप गधा घोड़ा कुकुर कुछ भी खाओ आपके विकारों से लेना नहीं, वो दृष्टा के रूप में है, होंगे हृदय में, वो रहता का हमारे किस काम का, हमें कैसे उपलब्ध हो, उस हृदय से ईश्वर को कोई कैसे पाए, तो नाम निरूपण नाम यतनते, शो प्रगटत जिमी मोल रतनते, नाम का निरूपण करो, नाम है किस प्रकार, क्यों कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, 24 इतना बड़ा अंतर है, 24 घंटे हमने भजन में श्रम किया, कुछ कंकड़ हाथ लग गए पत्थर, उतना ही श्रम किया हीरे हाथ लग गए, 2-4 नगीने की काम के हैं, तो आवास सवारी साधन शोरूम फैक्ट्री सब, क्यों कि उसकी कीमत जो करोड़ों में होती है, इतना अंतर, कहीं हम कंकड़ी कंकड़ जप के पथरा पथरा जप के जीवन ने काट ले जाएं, इस गुत्थी को सुलझाओ, निर्वारो करो, इसका निराकरण करो, तो नाम निरूपण, और जब निरूपण हो जाए, सही धारा समझ में आ जाए, अभ्यास करो, यतन करो, नाम यतनते शो प्रगटत जिमी मोल रतनते, वो प्रगट हो जाएगा, जैसे रतन की पहचान हो जाने पर कीमत झलकने लगती है, वैसे ही प्रगट हो जाएगा, तो वो सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, तुलसी का भी भगवान हृदय में है हाजिर, उस हाजिर है, दूर है तो हम है हाजिर, तो है दूर दिखावे, दूर की बात निराशी, बिल्कुल हाजिर हृदय के अंदर, और जब किसी से पूछो ना तो कहते हैं 3 फीट की मूर्ति बना के तब पूजा कर, शालिग्राम वहां से ले आ तब पूजा कर, और बद्रीनाथ घूम ले तो फिर ठीक हो जाए, और ये काला नगीना पहन ले तो भगवान मिल जाए, हे हाजिर तो ही दूर दिखावे, बहुत दूर, कोई इधर कोई उधर, कोई कोई तो भेज देता है यरूशलम, कोई मक्का मदीना, कोई बद्रीनाथ, कोई रामेश्वरम, ये हमारे पावन तीर्थ है, तीर्थ तीर्थ जिनका है उन्होंने क्या किया और कैसे पाया, हमें उस पद्धति की जरूरत है,
तो है हाजिर, तो है दूर दिखावे, दूर की बात निराशी, दूर की बात भले घूम आओ निराशा ही हाथ लगेगी। तो ये भ्रम कैसे दूर हो, हम हृदय से ईश्वर को कैसे पहचाने। कहे कबीर सुनो भाई संतों, गुरु बिनु भरमन जासी, पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। कबीर कहता है संतों ध्यान दो, हृदय से ईश्वर को कैसे पाए। गुरु बिनु भरमन जासी, सदगुरु के बिना भ्रम कभी दूर नहीं होता। तो गुरु राखहिं जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगताता। तकदीर रूठ गई, भाग्य में भूसा भर गया, नरक और यातनाएं लिख गई, सदगुरु रख लेंगे। क्योंकि जैसे ही कुसंस्कार करते हैं, कैसे ईश्वरीय पद्धति जागृत अंकित होती है, उस विधि पर वो चला देंगे, पा जाओगे। और यदि सदगुरु ही नहीं उपलब्ध, तो भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं। भगवान ही तो एक ऐसे सर्वत्र है, हृदय में होंगे, दर्शन स्पर्श और प्रवेश के लिए नहीं। इसलिए तो गुरु बिनु भरमन जासी, पानी बिच मीन प्यासी। यही है गुरु पूर्णिमा। द्रौपदी चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने चीरहरण हो रहा था, पहले भीष्म को डांटा, आप इस गद्दी की रक्षा का प्रतिज्ञाबद्ध है कि कुरुवंश की गद्दी की मैं रक्षा करूंगा। और कुरुवंश की गद्दी इस मिट्टी के चबूतरे का नाम नहीं है, कुरुवंश की गद्दी है कुरुवंश की मर्यादा, आपके पुत्र वधू की साड़ी खींची जा रही, नग्न की जा रही है, लाखों भीड़ के बीच में दरबार में मर्यादा धूल में मिल रही है, आप कौन सी रक्षा कर रहे हैं पहले ये बताओ। भीष्म भी नीचे देखने लगे, धिक्कार है तुम्हारे बाहुबल को भीम, जिस जांग को दुर्योधन ने थपथपाया तोड़ दी गदा से। भीम भी युधिष्ठिर का मुंह देखने लगे, बड़े आज्ञाकारी थे, बड़े संयमी पुरुष थे ये। युधिष्ठिर ने सिर हिला दिया, नहीं, अर्जुन से कहा धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को और तुम्हारे दिव्य अस्त्रों को, भूंज दे ये सारी सभा को, जब इज्जत ही नहीं रहेगी तो जी के क्या होगा। वो भी युधिष्ठिर का मुंह ताकने लगा, सबको ललकारा, द्रोण से कहा, अंत में उन सुरवीरों की पत्नी थी लड़ गई खुद, देखा कि किसी तरीके से अब मैं नहीं बच सकती, तब दोनों हाथ छोड़ दिया, साड़ी वाड़ी बचाना, रस्साकसी बंद, आंख बंद कर लिया, हे कृष्ण हे गोविंद हे मोहन हे मुरारी, लगा चीर बढ़ने, ढेर लग गया। दुशासन खींचते खींचते 10,000 हाथियों का जो बल था उसमें ने खत्म हो गया। वो भी नर्वस होके फिचकुर फेंकते हुए गिर पड़ा बेहोश। अर्धविकसित सी द्रौपदी भी बैठ गई, जहाँ आँख खुली तो भगवान सामने खड़े थे। द्रुलाई फूट पड़ी भुकार छोड़ के, बोले केशव प्रभु आपने बहुत देर किया, भैया बहुत देर किया, हमारे सब कर्म हो गए, आपने बहुत देर किया। तब कृष्ण बिगड़े, द्रौपदी मैंने कोई देर नहीं किया, मैं तुम्हारे पास खड़ा था, मैं चाहता था तुम मुझे बुलावे, तुम तो भीम को बाहुबल याद दिला रही थी, अर्जुन को दिव्य अस्त्र याद दिला रही थी, और भीष्म को गद्दी रक्षा का तरीका बता रही थी, धृतराष्ट्र को राज मर्यादा बता रही थी, तो खुद लड़ रही थी, तुमने हमको बुलाया कब। बहन जिस क्षण बुलाया मैं हाजिर हो गया, तो है हाजिर तो है दूर दिखावे, कभी उसका बल कभी उसका बल, कभी हनुमान जी सिद्धे कभी संकट मोचन, कुछ पता नहीं क्या क्या। है हाजिर तो है दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। आखिर ये गुत्थी ये खत्म, साधना जागृत रास कैसे हो, राह कैसे मिले। तो कहतो कबीर सुनो भाई संतों, बिनु भरमन जासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे
सुन सुन आवत हासी। दमिश्क एक बाहर कोई कितना कमा लेगा, दमिश्क के सुल्तान बड़ा विजेता था, फौजें थी, उद्गार भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर थे। एक बार उसने स्वप्न देखा कि मौत का हाथ पड़ा पीठ पर, उसने कहा तुम बड़े वेग से मेरे पास आओ, ठीक समय पर आओ, ठीक जगह पर आओ। मुंह घुमा के देख लिया, मौत ही खड़ी थी। एकदम निद्रा में चीख फूट पड़ी भयंकर, खतरे का सायरन बज गया, फौज तरतीबवार खड़ी हो गई। सेनापतियों ने पूछा कहां जहां पना, किधर से खतरा, तब बताया सपन का हाल। अब सपन वाली मौत से कोई कैसे लड़े। सेनापतियों ने कहा राजन जरूर इस महल में कुछ तो है, आप ऐसा करें तेज तर्राट घोड़े में चढ़ के कहीं निकल जाएं, इसमें जरूर कुछ खतरा है महल में। घोड़े का चयन भी सेनापतियों ने किया, जहां अपना नवाब बैठ गए उस पर। रात को 2 बजे चल पड़े, दोपहर की चिलचिलाती धूप, ऊपर रेगिस्तान का तपता हुआ सूरज, शाम होते होते एक हल्की सी वाटिका में पहुंचे। न 10 कदम चलने की शक्ति घोड़े में थी और न घोड़ा संचालन करने की क्षमता सवार में बची। उतर के बगीचा में बैठा, बैठते हुए विचार किया वाह बहुत दूर आ गए, इतने में मौत का हाथ पड़ा पीठ पर, तुम बड़े वेग से आए, ठीक समय पर आए और ठीक जगह पर आए, प्राण पखेरु उड़ गए, तो कितने भी प्रबंध करो पहुंचो नौबत बाजती, उठत छती सों राग, ते महल खाली पड़े बैठन लागे काग। इसलिए गुरु पूर्णिमा गुरु से विधि जागृति सर्वोपरि, तो गुरु का गुरुत्व आप में भी प्रसारी जागृत हो जाए। और जहाँ वो मिल गया ब्रह्म पीयूष, तो जहाँ प्रकृति है ही नहीं, माया है ही नहीं, तो तुम्हें धक्का कौन देगा, मौत है ही नहीं, सदा रहने वाला जीवन, स्थानम प्रापसि शाश्वतम, तत्प्रसादात परम शांति, और परम शांति प्राप्त कर लोगे, शाश्वत सदा रहने वाला घर, सदा रहने वाला जीवन और शांति प्राप्त कर लोगे। तो पानी में खड़े हो, वो वस्तु सबके हृदय में है, पहले भक्ति रूपी जल, उनमें भजन के द्वारा मन को सब ओर से समेट के मछली बनाओ, और जहाँ सूरत लगी तो ब्रह्म पीयूष संत होने लगेगा। लेकिन ये भजन की जागृति गुरु बिनु भ्रमण जैसी, सदगुरु के बिना ही कभी नहीं, गुरुओं की और पेटी की रक्षा करना। एक सेठ जी ने काशी से बेस कीमती साड़ियां खरीदी और बक्सों में बंद कर दिया, लकड़ी के बक्सों में, 2 नौकरों के सिर पे रखा और गांव की ओर चले। रास्ते में एक पेड़ के नीचे दोनों पेटियां रख दिया, नौकरों को रक्षा में बैठा दिया। मैं जरा इस गांव में होके आता हूँ, ख्याल रखना बादल छाया कहीं, पेटी की रक्षा करना भीगने न पाए। वास्ते में पानी बरसने लगा तो पहले तो अपनी साफी अपनी गंजी उतारा, कुर्ता उतारा ढांपा, बोले बचेगी नहीं, बोले आखिर इसमें भरा क्या है, खोला तो वेस कीमती साड़ियां, बोले किस दिन काम आएगी, जब पेटी भीगी जाएगी तो धिक्कार है हम लोगों की नौकरी में वफादारी में, सब निकाल के खोखे के ऊपर लपेट दिया, तर बतर हो गया। अब सेठ ने दूर से देखा तो घबराया हुआ, बोला क्या बात है क्या बात है, बोले बिल्कुल मत घबराओ सेठ जी, पेटी पर एक बूंद एक छींटा नहीं पड़ा है। बोले ससुरा माल तो कर दिया चौपट, अभी पैकिंग रखा के हम क्या करेंगे, खोखा रखा के क्या करेंगे, तो शरीर एक वस्त्र है, खोखा है, माल है आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति निज धन, तो भक्ति रूपी धारा में मन मछली लका भूसुंड की तरह, और गुरु बिनु यो जागृति नहीं। यदि परमात्मा परम धाम है तो भजन की जागृति पूर्ति पर्यंत पथ रक्षक,
और प्रवेश द्वार सदगुरु, बाद में भगवान और आप आमने सामने। लक्ष्मण ने कहा प्रभु सुख का स्रोत क्या, लक्ष्मण से कहा भगवान राम ने तो भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख की मूल मेरी भक्ति। बोले प्रभु वही प्रदान कर दे, मिले ही जो संत वो ही अनुकूला, मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो। तो भजन एक जागृति है, वो संत से शो बिनु संतन काहू पाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर इस भजन को तुम लोग आशेष भजन को, भजन के आशय को हृदयंगम कर लो। जब गुनगुनाते रहोगे ना तो कड़ी जो भूल जाओगे पुनः पुनः स्टडी हो जाएगी। और भजन एक परमात्मा का बोलो, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक भक्त ऐसे ही अच्छे महापुरुष थे, रोज कहें बोले महाराज आपने भगवान को देखा है तो हमें भी दिखा दो। तो बोले कर भजन नाम जप रूप देख, पकड़ लाइन पकड़ तुम पा जाओगे। इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जाता, अर्जुन साथ साथ चलता रहा तब भी नहीं दिखाई पड़ा जब तक दृष्टि नहीं प्रदान किया। तुम्हें दृष्टि मिलेगी, वेद अभ्यास से संजय को मिली, भगवान कृष्ण से अर्जुन को मिली, तुम्हें अवश्य मिलेगी। मानस में तुलसी कहते हैं और श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमृत, दिव्य दृष्टि ये होती, उसके सुमरण से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। तुम कर भजन, लेकिन वो भजन तो न करे, आरती से दिन खोद जरूर दे। बोले महाराज जब यहाँ है आपके पास चारों तरफ व्याप्त है तो जा दिखा दें। तो एक दिन महाराज ने जहाँ पूछा कि ईंटा का अद्धा उठाया और मार दिया, सिर फूट गया, बड़ा टिन्नी था। राजा को शिकायत किया, महात्मा जी ने मेरा सिर फोड़ दिया। बुलाए गए, बोले महाराज आप तो बहुत अच्छे महापुरुष से, इस गरीब का सिर क्यों फोड़ दिया। महाराज बोले हमने किसी का सिर नहीं फोड़ा। बोले ये खून, बोले ये क्या खून गिर रहा है। बोले हमने इसके प्रश्न का उत्तर दिया था। बोले ये कैसा उत्तर है, इससे पूछो दर्द होता है। पूछा क्यों दर्द है, बोले अरे जान चली जा रही है, सिर फटा जा रहा है। तो महाराज बोले उस दर्द को जरा दिखाई दो। बोले महाराज जिसके कपारे पड़ते हुए है जानत है, जिसके सिर पर बीतती है वही उस दर्द को जानता है, सब नहीं जान सकते। बोले बेटा ऐसे ही रात दिन छाया की तरह साथ रहने वाला अर्जुन भी तब तक नहीं जाना जब तक दृष्टि का संचार नहीं हो गया। कर भजन, वो प्रत्यक्ष दर्शन है या अगोचर, इंद्रियों से परे मन से परे, तो तू चमड़ी की आंख से देखोगे कैसे। कर भजन, भगवान तुरंत छाया की तरह साथ रहेंगे। भजन एक जागृति, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।